हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सुरक्षित होंगे। आज थर्ड क्लास के साथ उर्दू का सबक पढ़ते हैं गुरु का सरपंजा। बच्चों, हमें कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। जो भी कुछ हमें ऊपर वाले ने दिया है, हमें उसका सिर्फ शुक्र अदा करना चाहिए। तो आइए हम इस लेसन को रीड करते हैं। एक दरिया के किनारे शाहबलूत का दरख्त खड़ा था। वो दिल में कहता था कि मैं कितना बड़ा और ताकतवर हूँ। आंधी आए और कितनी ही ज़ोर से क्यों ना आए, मेरी शाखें कभी ना झुकेंगी। मेरा तना झुका तू रहेगा, ना टेढ़ा होगा ना टूटेगा। कभी ऐसा हो सकता है? बच्चों, आंधी पानी तूफान तो बड़ी सी बड़ी चीज़ों को तहस नहस कर देता है। चलिए, शाहबलूत के साए में सरकंडे की झाड़ियाँ थी और दौर से लंबी घास की तरह दिखाई देती थी। एक दिन दरख्त ने झाड़ियों से कहा, आह बेचारे पौधे, तुम झुकने लगे हो, ज़मीन पर बिछे चले जाते हो। जब आंधी आएगी तो तुम को तोड़ फोड़ कर रख देगी, लेकिन मैं उस वक्त कभी सर उठाकर तनकर खड़ा रहूँगा। आखिर में एक दिन आंधी आई, शाहबलूत का दरख्त खड़ा रहा, जो वो ज़रा भी ना झुका। वो बोला, सरकंडे तुमने देखा, आंधी मेरा कुछ ना बिगाड़ सकी, तुम हो के इसके सामने झुकते रहे। सरकंडे तो कुछ ना बोले, मगर सुनकर आंधी को गुस्सा आया। इसने जोर मारा और बड़ी तेज़ी से चलने लगी। अब तो बलूत बेबस हो गया, शाखें तड़ाक तड़ाक टूटने लगीं, तना भी बीच में से टूटकर दो टुकड़े हो गया। झाड़ियाँ तो जब तक आंधी चलती रही वो झुकती टेढ़ी होती और ज़मीन पर बिछती रहीं, लेकिन आंधी के रुकते ही वो फिर सीधी खड़ी हो गईं और बोली, जो अकड़ते हैं वो उखड़ते, जो झुकते हैं वो सलामत रहते हैं। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हमें कभी भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमेशा इंसान को सब्र और अच्छाई से काम लेना चाहिए। कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बहुत अच्छा लेसन है, इसको आप अच्छे से रीड करिए। सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय।